गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं विक्रांत मोटिवेशन घोष में आपका आज बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जिसकी आपको हमेशा से एक डिमांड थी। फ्रेंड्स, ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हो सकता है कि कई लोग आप में से मुझसे संतुष्ट हो और कई लोग ना हो, लेकिन मैं आपको कुछ इसके आज एक अलग पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को बताऊंगा। मेरे टॉपिक का नाम है को एजुकेशन इन आवर सोसाइटी। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए काफी डीप रिसर्च चाहिए, तो मैं आपको एक थॉट के साथ इस टॉपिक को शुरू करूंगा। वो है फ्रेंड्स, ए गुड एजुकेशन सोसाइटी वर्क्स ओनली व्हेन देयर इज अ जेंडर इक्वालिटी। मतलब सबसे पहली एक बात आती है को एजुकेशन के बारे में जब जेंडर इक्वालिटी की बात आती है। आज 21 सेंचुरी में हम सब जानते हैं कि सब जेंडर्स, चाहे वो कोई मेल है चाहे वो भी फीमेल है, सब बराबर है। फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब को एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया जाता है एक सोसाइटी के द्वारा, तो वहां पे जेंडर इन इक्वालिटी हो जाती है। मतलब कहने का कि जेंडर इक्वालिटी नहीं रहती और जिससे डिफरेंसेस दो जेंडर के बीच के काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक को एजुकेशन सिस्टम जो कई गवर्नमेंट स्कूल्स में अधिकतर हमें नहीं देखने को मिलता, लेकिन प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में ये होता है। मैं तो इस फेवर में हूं कि गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में भी को एजुकेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहला इसका मैं आपको कारण बताऊंगा फ्रेंड्स, वो कारण ये है कि हमारे पास ये को एजुकेशन होने की वजह से एक मेंटल और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप एक को एजुकेशन सोसाइटी में रहते हैं या इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहां पे आपके दूसरे के प्रति इज्जत, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। अगर आप एक जेंडर के साथ मिक्सअप है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा माना गया है, और अगर आप एक जेंडर के लाइक्स डिसलाइक्स नहीं जानते हैं तो वो एक आपके लिए नेगेटिव पॉइंट्स है। आप आने वाले टाइम में एक अच्छे माहौल में डेवलप नहीं हो सकते। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, एक जेंडर फेयर नाम की एक बहुत नेगेटिविटी हमारी सोसाइटीज में होती है। जो लोग को एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आते हैं तो वहां पे देखा गया है कि जेंडर इनइक्वलिटी तो होती है, एक जेंडर फेयर नाम की चीज भी होती है। जेंडर फेयर का मतलब है कि कई लोग हम में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ये चीज फील की हो, अगर कोई एक बॉय स्टूडेंट है वो एक गर्ल स्टूडेंट से फर्स्ट टाइम बात करता है, अगर उसने इतने क्लोजली कभी बात नहीं किया हुआ तो उससे क्या होगा, उसको थोड़ा सा एक नर्वसनेस फील होता है। सेम केस लड़कियों के साथ, गर्ल स्टूडेंट के साथ भी होता है। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव आपके फ्यूचर पे पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपका बॉस या आपके कोवर्कर्स ऑपोजिट जेंडर के हो, तो उस केस में आप नर्वस होने के आपके पूरे चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और पॉइंट इसके बारे में बताना चाहता हूँ, हेल्दी कंपटीशन। को एजुकेशन में आपको एक हेल्दी कंपटीशन मिलता है। अगर आप एक को एजुकेशन सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपको दूसरे जेंडर को देख के आप उसको कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। अगर एक बॉय है तो वो एक गर्ल स्टूडेंट को देख के कम्पीट करने की कोशिश करेगी, और अगर एक गर्ल है तो वो बॉय को देख के कम्पीट करने की कोशिश करेगी। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि कंपटीशन होगा। किसी ने सही कहा है, व्हेन देयर इज अ हेल्दी कंपटीशन द चांसेस ऑफ सक्सेस आर मोर फ्रीक्वेंट। मतलब कि जहां पे कंपटीशन होता है कामयाबी वहीं मिलती है। मैं आपको इसके साथ एक चीज और बताऊंगा, डेवलप सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब है, कई बार हम अपने आप को कुछ नहीं समझते, हम समझते हैं कि दूसरे जेंडर का अगर इंसान है, अगर हम उसको नहीं ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम एक ना अपने आप में हमें एक फोबिया हो जाता है, हम सोचते हैं कि हम किसी से बेहतर नहीं कर सकते। बट अगर आप एक मिक्स माहौल में, एक को एजुकेशन सोसाइटी में रहते हो, एक जेंडर इक्वालिटी वाली सोसाइटी में रहते हो, तो आपको आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है जिससे आप आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो ये चीज भी को एजुकेशन के फेवर में जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपको एक बताऊंगा, एक ऑप्शन जो मैं आपको बताऊँ, कैरेक्टर एनहेंसमेंट के बारे में। कैरेक्टर एनहेंसमेंट का मतलब होता है, ये 90% केसेस में देखा गया है, जो भी चाइल्ड अब्यूज या फिर जेंडर अब्यूज के केसेस होते हैं, इसमें मैक्सिमम जो लोग किसी ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहां पे जेंडर इनइक्वलिटी होती है, या जो स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस को एजुकेशन नहीं होते, ये चीज जो लोग उस सोसाइटी से आते हैं वो ऐसे क्राइम में अधिकतर पाए जाते हैं। तो इसलिए
अगर आप चाहते हैं कि करेक्टर एनहेंसमेंट हो, करेक्टर अच्छा रहे और क्राइम रेट ना बढ़े, तब भी जरूरी है हमारी सोसाइटी में को एजुकेशन सिस्टम का प्रिवेल करना। फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बताऊंगा वो आज है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर हम नजर दौड़ाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, चाहे वो अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है या बाकी सारे यूरोप है, जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो हम पाएंगे कि हमारा देश अभी कुछ देशों से काफी पीछे है। तो उसका और हम देखेंगे कि बाकी सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, बाकी कंट्रीज आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी हम इस जेंडर इक्वालिटी को एजुकेशन के पेज में ही फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन गांवों में खासतौर पर बहुत ज्यादा देखा गया है। अगर कोई आपका बॉय चाइल्ड है तो आप काफी खुश होते हैं, लेकिन अगर कोई गर्ल चाइल्ड हो गया तो आप काफी दुखी हो गए। और एक लड़के के मुकाबले लड़की को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एक फैमिली परिवार में दी जाती है। एक लड़की को बाहर निकलने का मौका, बाहर अच्छे कॉलेजेस में, दूर अगर कोई कॉलेज अच्छा कॉलेज है, बाहर जाने का मौका कम दिया जाता है। तो ये सब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से ही आता है। और अगर एक स्टूडेंट छोटे होते ही अगर स्कूल में ये फील करता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह का फील करता है, तो वो आने वाले टाइम में भी उस बिलीफ को अपने साथ दिल में रखता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में आपको मैं ये अच्छे मैसेज के साथ इसको क्लोज करूंगा वीडियो को, कि आप हमेशा को एजुकेशन पे बिलीव कीजिए, क्योंकि बिलीव इन अ सोसाइटी विच बिलीव इन जेंडर इक्वलिटी एंड अ को एजुकेशन सिस्टम ऑलवेज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी को एजुकेशन के फेवर में आइए, आप हमारी सोसाइटी को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को एजुकेशन में होते हैं, वो समझ सूझबूझ के साथ, समय के साथ साथ दूर किए जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, और नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक मैं विक्रांत आपसे इजाजत लेता हूं।